दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे, दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे। चमोली ब्लॉग्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज है 2 तारीख, 1 तारीख को मैं आपको विश नहीं कर पाया क्योंकि मैं ब्लॉग में था नहीं, पिंकू ने आपको विश कर ही दिया होगा। तो मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और आप देख सकते हैं कि आज हम जिम आ गए क्योंकि मेरे को फीवर था इसलिए मैं नहीं आ पाया। पिंकू गई थी तो ब्लॉग वगैरह उसने ही बनाया सब कुछ, तो मैं तो था नहीं इस वजह से। तो आप देख सकते हैं आज हम जिम में आए हैं, तो जिम में कितना अच्छा डेकोरेट करा है, बलून लगाए हैं। तो नए साल में आपको आपकी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी विशेष हैं, फुलफिल हो जाए, यही कामना करता हूं मैं। तो अब शुरुआत करते हैं जिम की, और आज है मेरा बाइसेप्स डे, तो चलिए। दोस्तों आज है नए साल में पहला दिन जिम का, कल तो जिम मेरा मिस हो गया था और आज आ चुके हैं। तो शुरू करते हैं आज का वर्कआउट और देखते हैं कितना रिजल्ट आता है ये नए साल में। पिछले साल तो थोड़ी चीटिंग हो गई यार डाइट में, तो रिजल्ट इतना अच्छा आया नहीं। मैं तो आया था, हुआ क्या, मैंने एक्सरसाइज करी और उसके बाद मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगा है फीवर जैसा, इसलिए मैं आया ही नहीं फिर उसके बाद, मतलब गया नहीं मैं उसके बाद पिंकू के साथ। तो मैं तो आया था भाई, फर्स्ट डे स्किप नहीं करना। तो अभी तो तुम्हारी हालत ऐसी हुई, पर देखना यार पेट भी तो अंदर हो गया दोस्तों, फर्क है, बहुत फर्क है, बहुत बहुत फर्क है। सो चलिए अब अपना वर्कआउट भी शुरू करते हैं। और रिजल्ट तो आ रहा है, ऐसा नहीं है कि रिजल्ट नहीं आ रहा है, बट थोड़ा और रिजल्ट जल्दी आए तो फिर फटाफट से चलते हैं, वर्कआउट शुरू करते हैं। और अभी बज रहे हैं दिन के 12, तो हमने जिम थोड़ा जल्दी आना शुरू कर दिया है और ये तो अपना वार्म अप शुरू कर रहे हैं। और देखो जिम अभी है पूरा खाली क्योंकि 11 बजे ही, मतलब जो मॉर्निंग वाला बैच होता है वो खाली हो जाता है और हम आए हैं 12 बजे, तो अच्छा है अभी खाली खाली है, वर्कआउट करने में मज़ा आता है। और इनका वर्कआउट तो शुरू हो गया है, चलो चलो चलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, चलो भाई हो गया इनका काम, 32 हो गए, 19 से काउंट कर दिए, 3 2 32। और यार हमारा जिम ना बहुत अच्छा है, एक तो उसमें स्मेज इतना ज़्यादा है ना, और जो बलून्स लगा रखे हैं बिल्कुल वाह। एक टाइम में मैं 100 मार लेता था एक बारी में, 100 एक साथ मारता था मैं, बट अभी इतना स्टैमिना है नहीं, स्ट्रेंथ हल्के हल्के बढ़ी है। कोई नहीं, करते रहो, रिजल्ट मिलते रहेंगे, करते रहो। तो दोस्तों मुझे ना ऐसा बनना है, बन पाऊंगी मैं इस जन्म में, मुश्किल लगता है वैसे मुझे। आप में ओ मिस्टर ट्रेनर जी, क्या आप मुझे ऐसा बना सकते हैं? ये आपको सोचना पड़ेगा ना। नहीं आप मेरी डाइट बनाओ ना, क्या डाइट फॉलो करते हो? आप मुझे खिला, आप मेरे सामने बाउल लेके आओ और मुझे खिलाओ। आपको खाना है पिज्जा, कल आपने देख लिया था ना ब्लॉग में क्या क्या खा रही थी? कुछ भी नहीं खाया मैंने, बर्गर ही तो खाया। तो इतना लोग चलता है, तो चलता है तो फिर ये नहीं बनता ना, सपने मत देखो फिर। क्यों, जो ये कभी जीवन में खाते ही नहीं है क्या अपने? खाते होंगे, वन डे खाते होंगे, वीकली। हाँ तो मैं तो वीकली भी नहीं खाती, मैं तो मंथली खा रही हूँ। पर इतना पतला होना ही है, मुझे कौन सा कंपटीशन लड़ना, शूट करना होता है इसलिए होते हैं वो। लड़कियां तो ज़्यादा पतली भी अच्छी नहीं लगती, ठीक है, मेरे को तो वैसे भी चबी ही सही लगती है, बहुत ज़्यादा पतली भी ना हो ठीक हो। चलो भैया हम भी चलते हैं अपने ट्रेडमिल में और करते हैं आज का वर्कआउट शुरू। पिंकू अगले महीने शादी है, इसी महीने है लास्ट में, हाँ तो अभी ये पता वेट कितना कम करना है तुम्हें इस महीने, कम से कम। अच्छा ऐसा करो, तुम ना मुझे चैलेंज दे दो। अच्छा ठीक है, मैं हर दिन वीडियो बनाऊंगी। चैलेंज तो मैं दे ही दूंगा तेरे को, पर तू पूरा भी तो होना चाहिए चैलेंज। नहीं नहीं मैं रोज वीडियो बनाऊंगी। अच्छा अपनी ठीक है, मैं क्या डाइट ले, तू ज्यादा नहीं 3 किलो वजन कम कर दे बस एक महीने में। और क्या, वो मनीष मल्होत्रा वाला लहंगा जो तुमने ले रखा वो भी तो पहनना है तुमने,
बहन की शादी है भाई इसकी, तो मेरी कजन की शादी टाइट करवा देंगे। हो गया मस्त सा, मेरे सोनी ने पसंद करा था मेरे, तो मुझे उसके लिए वेट का लूज करना है। वैसे 3 किलो, 3 किलो कर दे बस, 3 तो हो जाएगा आराम से, ओनली 3 kg ठीक है हो जाएगा। चैलेंज एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड ओके फॉर जनवरी। ओके ओके ओके, देखो दोस्तों कई लोग बोलते हैं कि हम मोटिवेट होते हैं दूसरों को देख के, यहाँ देखो जिम पूरा खाली है ठीक है, तो मेंटली आपको इतना स्ट्रांग होना है ना कि आपको किसी को देख के नहीं खुद को देख के मोटिवेट होना है ठीक है। पूरा जिम खाली है और इस जिम में मैं कई बार अकेले एक्सरसाइज करता हूँ, पिंकू भी नहीं होती है। देखो सो सैड, लाइट चली गई, ऐसा होगा तेरा 3 किलो वजन कम, जा धूप में, धूप में रोड में भाग। हाँ हुआ तो है, फैट हो गया था। हाँ पर अभी भी नहीं, सही में पिंकू का वजन लूज हुआ है, बहुत ज्यादा वेट आप देख सकते हैं कि ये जैकेट भी इसमें ढीली हो गई है। तो 5 किलो हुआ है। तो आपकी मोटिवेशन का राज क्या है वैसे? मेरे मोटिवेशन का राज कुछ नहीं है, मैं सब कुछ खाती हूँ, और जब मैं सब कुछ खाती हूँ तो मेरा पति मुझे रोज बोलते मोटी हो जाएगी, मत खा। देखो मुझे फर्क तो कुछ नहीं पड़ता है, मोटी हो जाए कुछ हो जाए, बट मुझे ये रहता है यार कि हेल्थ अंदर से ऑर्गन आपके सही होने चाहिए, बाहर से कुछ नहीं होता। पता क्या बोलते हैं, इनको भी है अच्छी अच्छी ड्रेस पहनाने का शौक और मुझे पहनने का शौक, तो ये बोलते इनको अच्छी नहीं लगेगी वरना, और बात भी सच है ना यार, ड्रेस भी तभी अच्छी लगती है। देखो मेन रीजन जो मेरा रहता है यार यही रहता है कि यार सब कुछ प्रॉपरली ऑर्गन सही होने चाहिए आपके, आपका आपको पता है क्या क्या बीमारियां हो जाती हैं आजकल, तो इसलिए मैं उसको कोशिश करता हूँ कि डेली लेके आऊँ। बट मैंने आपका चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, ओके आई विल लूज, और मैं क्या क्या खाने वाली हूँ वो आपके साथ भी शेयर करूंगी, अगर रिजल्ट मेरे को मिलेगा तो आपको भी डेफिनेटली मिलेगा, उसके बाद आप भी कर सकते हैं। गुड, बहुत बढ़िया, कम ऑन, चल 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 चल, लगा, गुड, वन मोर, चल लास्ट मार, कम ऑन, बहुत बढ़िया। अरे नहीं, कर दिया फेल कर दिया इसने, बहुत बढ़िया, तो दोस्तों जस्ट कार्डियो करके मैं आ चुकी हूँ और मेरा कार्डियो हो चुका है, और ना बाल बांधे बांधे मेरे सर में दर्द होने लग जाता है, तो मैंने रबड़ बैंड में आराम से रेस्ट कर रही हूँ थोड़ी देर, उसके बाद अपना ट्रेनिंग शुरू करूँगी। और दोस्तों मैं आपसे ना एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ यार, प्लीज़ अगर आपको हमारा एक भी ब्लॉग पसंद आता है ना, मैं ये नहीं कहती आपको हमारा हर एक ब्लॉग पसंद आएगा, हर ब्लॉग का अलग अलग कंटेंट होता है, कुछ आपको पसंद आएगा कुछ नहीं आएगा, बट अगर आपको हमारी एक भी वीडियो पसंद आती है ना दोस्तों, तो हमें आपका सपोर्ट चाहिए, उसी टाइम जाके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए आने वाले और भी एंटरटेनमेंट ब्लॉग्स लेके आ पाए। और अब जो न्यू ईयर लग चुका है तो हमने कुछ प्लान किया है कि हम ट्रैवल सीरीज़ बनाएंगे अलग अलग जगह जाके, तो हमने कुछ जगह फाइनलाइज़ की है, तो उसकी वीडियोज़ हम जल्दी शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट मंथ फरवरी से। सो दोस्तों यार अगर हम कोई भी वीडियो बना रहे हैं ना तो उसमें हमारी बहुत मेहनत लगती है, तो हम चाहते हैं अगर कोई भी हमारी उस वीडियो को 10 लोग भी अगर देख रहे हैं ना, उस 10 में से मैं ये नहीं बोलती 10 के 10 को पसंद आएगी, बट अगर 2 लोगों को भी पसंद आती है और वो हमारे को सपोर्ट करते हैं तो वो हमारे लिए काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि अगर हम वीडियो यूट्यूब में मेहनत कर रहे हैं तो हमारा उसके पीछे कोई ना कोई मोटिव तो ज़रूर होगा, सिर्फ टाइम पास तो मोटिव है नहीं कि कैमरा उठा के हम कहीं भी जाके वीडियोस, उस पर हमारा टाइम लगता है, मनी लगता है, मेहनत लगती है, सब कुछ लगता है, मतलब सोच लगती है, पहले हमें सोचना पड़ता है हम आज क्या व्लॉग बनाएं, कहाँ जाएं, जैसे कि आपको पता ही है आजकल YouTube एक ऐसा मीडियम हो चुका है जिसमें आप अपना कैरियर बना सकते हैं, तो हम भी अगर आज की डेट में YouTube कर रहे हैं तो हम यही सोच के कर रहे हैं कि हम इसमें अपना कैरियर बनाएं, और बनाने के लिए तो हम डेली वीडियोस बना सकते हैं, पर हम आपको बोर नहीं करना चाहते, वही सुबह गुड मॉर्निंग हम ये खा रहे हैं वो, हम चाहते हैं कि हम अगर वीडियोस बनाएं तो उसमें आपको कहीं लेके जाएं या आपको घुमाएं या हमारे साथ कुछ न्यू जगह दिखाएं। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं जिम में इसलिए कर रही हूँ ताकि मैं आपसे कह सकूँ प्लीज़ हमें आपका सपोर्ट चाहिए, और ये मैं बिल्कुल एक
सिंपल पॉइंट पे बोल रही हूँ, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि आपको करना ही करना है। अगर आपको कुछ भी हमारे व्लॉग में पसंद आए तो करना, वरना आपकी चॉइस है। और हाँ जी, आप भी कहना चाहेंगे? चॉइस तो है ही उनकी। हाँ, बट कुछ लोग सोचते हैं ना यार क्या करना, छोड़ो वीडियो तो देखने में मजा आता है, बट इतनी मेहनत कर दी है, ठीक है, जैसा कि इसने आपको बता दिया, बस दिमाग नहीं लगा दी। जैसे दिमाग लगाती है इसके घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है, इसलिए मैं इसको बोलता हूँ आप दिमाग मत लगाओ, दिमाग में लगाऊंगा क्या बनाना है, है ना? इतना मारूंगी ना पकड़ के। कितने क्यूट है यार, यार बोलो ना इन्हें हमें सपोर्ट करो। ये सपोर्ट यार, आप देखो तो भाई 2024 लग चुका है, हमें चाहिए आपका सपोर्ट। अब बात हो गया, अब वीडियो तभी बनेगी जब आप सपोर्ट करेंगे। अरे आपको करना क्या है, सिर्फ वीडियो देखनी है, कमेंट करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। बेकार भी लगती है ना, आप बेकार ही कर दो, कोई बात नहीं। बेकार भी हमारी वीडियोस बेकार लगती है ना, आप सजेस्ट करो आपको देखना क्या है, हम जो आप बोलेंगे हम वही। और अगर आपका कोई क्वेश्चन भी हमसे रिलेटेड आप पूछ सकते हैं, हम उसका क्वेश्चन आंसर राउंड भी बनाएंगे, ठीक है? तो आज का व्लॉग इतना ही रखते हैं, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, बट हम जिम आए तो मैंने सोचा कल आपको इन्हें व्लॉग में मिलाया नहीं था, तो ये भी आपको न्यू ईयर विश कर दें। हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर है तो हैप्पी रहना तो बनता है, वैसे तो हम ऑलवेज हैप्पी हैं और आप भी हमारी तरह हैप्पी रहें, वो तो बात अलग है कि जीवन में आपको कैरियर ढूंढना है, पर सबसे इम्पॉर्टेंट है खुशियाँ। अगर आप खुश हैं तो आपका जीवन ऑलरेडी हैप्पी है और हैप्पी हैप्पी ही रहेगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे। दुनिया पैसा पैसा करती है, पर पैसा है बहुत कुछ है, बट एट दी एंड तो आपको वही चाहिए ना, क्या बोलते हैं, आपकी हेल्थ अच्छी रहे, शांति और पीस। yes. अगर वही नहीं होगा, पैसा आपके पास होगा तो रात की नींद भी आपकी हराम होगी। और सबसे अच्छा है कि आपकी हेल्थ अच्छी रहे, अगर हेल्थ अच्छी है तभी आप लाइफ में कुछ कर सकते हैं, ठीक है? एक घंटा निकालो यार बस अपने लिए, 24 घंटे में से एक घंटा अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो कोई बात नहीं, आप मोटे भी हैं, इनफ है यार। देखो मुझे तो फर्क नहीं पड़ता, मैं चाहे मोटी भी हूँ ना, लेकिन मैंने हमेशा जिम करती हूँ, चाहे रिजल्ट मिले ना मिले, चाहे बाहर का खाओ यार, आज लाइफ है, खाना भी चाहिए, ऐसा नहीं है कि मत खाओ, कुछ नहीं होता है, आपके ब्लड वेसल्स सही रहेंगे, लेकिन वर्कआउट भी करते रहो, दैट्स इम्पोर्टेंट। तो चलिए बाय बाय, मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में। चलो फिर टाइम पास मत करो ना आप, फिर देख लो दोस्तों, लगते हैं हम शादीशुदा। शादीशुदा कौन है? दुश्मन है मेरे दूसरे के। मैं इसको गर्लफ्रेंड की तरह ट्रीट करता हूँ, ये मेरी वाइफ नहीं है, गर्लफ्रेंड है मेरी, तब प्यार ज्यादा बना रहता है ना, जैसे आप सोचोगे वाइफ है तो फिर गुस्सा आता है, है ना? फिर दूसरों की वाइफ पे प्यार आता है। मेरे को तो किसी भी नहीं आता, मेरे को तो रिंकू में आता है बस। चलो गुड बाय, गो गो गो, सब्सक्राइब।